जो है ये देख लीजिए गाइस, ये पूरा मैप है, यहाँ पे पूरा बताया गया है, जितनी तक खुदाई हुई है उतना तक का ही मैप है इसमें ना। आपको हम पूरा घुमाएंगे एक एक गली, हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए। केले के भग्नावशेष देखने आई, जो इतिहास के पन्ने जब खुलेंगे तो मुख्य पन्नों पर ये फोटो नजर आएंगे। ये बिल्डिंग का नाम है सारिपुत्रा स्तूपा। सारिपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनका जन्म एवं निर्माण नालंदा में हुई। उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने ये बनाई थी, जो मिट्टी से ढकी हुई थी। ये सारी बिल्डिंग की खुदाई की गई, उसके ये नए मैप है जो सीमेंट की बनी है। इस मैप के आधार से हम लोग अभी यहाँ आकर खड़ी हैं। इस बिल्डिंग पर यहाँ से हम लोग प्रवेश किए, गड्ढे वाले रूम देखे, ऐसे ही सारा ये हॉस्टल लाइन मिले हैं। हॉस्टल लाइन को पाली शब्दों में मोनास्ट्री कहे जाते और ये मंदिरों को चैत्याज कहे जाते। इधर जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं ये चैत्य साइड है, ये जितने देख रहे हैं ये हॉस्टल साइड है, जिसमें नालंदा का मुख्य मंदिर यह है, अस्तूपा के नाम से जाने जाते हैं। अस्तूपा शब्द है जो पाली शब्द है, जो बौद्ध भिक्षुक मर जाते हैं उनको जलाए जाते हैं धर्म के अनुसार, और जले हुए अस्थि के ऊपर जो मेमोरियाँ बनाए जाते हम लोग इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं, पाली शब्द में अस्तूपा कहे जाते हैं। अभी हम लोग ये रास्ते पर खड़े हैं, इस हॉस्टल के अंदर चलकर छात्रावास कमरे को देखेंगे, दो स्टोर रूम को देखेंगे, कुएं को देखे, जो खुदाई में मिले वो अवशेष देखेंगे, एक डिपार्टमेंट, ऐसे ही ये सारा 11 डिपार्टमेंट की प्राप्ति हुआ है। उस समय 108 हॉस्टल थे। उसके बाद नालंदा की ये मेन मंदिर हम लोग देखने आएंगे। ये हॉस्टल के आगे ऊंची एक प्लेटफार्म है, ये योगा प्लेटफार्म है। बुद्धिज्म में बताया गया है बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है, बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज्यादा होगा। ये वाला ये क्या था, ये योगा प्लेटफॉर्म, ये सब योगा प्लेटफॉर्म देखेंगे। लकड़िया पर अभी भी लोग योगा ध्यान करते हैं। अच्छा, मेडिटेशन, मेडिटेशन माने उस जमाने में भी हमारे नालंदा में योगा, मेडिटेशन, ध्यान किए जाते थे। बुद्धिज्म में सर्वप्रथम मेडिटेशन ही बहुत जरूरी है। ये देखा जाए नालंदा, जब ये 10 किलोमीटर में नालंदा रही होगी तो इधर हॉस्टल साइड है, ये सारे टेंपल साइड हैं। ये जब नालंदा ढकी हुई थी तो वो मिट्टी का लेयर है, उस लेयर में मिट्टी की पहाड़ थी। इतनी मिट्टी को अंग्रेजों ने हटाए, जो अवशेष मिले वो इधर हम लोग मूर्तियाँ जो मिली, मेटल स्टैचू मिले, वो सब ब्रिटिश लेकर चले गए, अवशेष छोड़ गए, जो आज हम लोग नालंदा को याद कर रहे हैं, जिसमें ये सब पुरानी दीवारें हैं। यह ओरिजिनल दीवार देखिए, उधर वाली नई दीवार है जो वर्षा से गिर गई थी। नई ही लग रहे हैं, पुराने ही लग रहे हैं। नहीं मतलब सेम टू सेम वो ईंट है जी। ये नालंदा की ओरिजिनल ईंटें को देखा जाए, ईंटों का ज्वाइंट देखा जाए, कितनी कम मसाला है, लग रहा है फेवी क्यूब से ज्वाइंट है। इतनी धूप वर्षा में है, उसके बाद भी बिल्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। ईंटों का ज्वाइन देखा जाए कितनी अच्छी है, इन ईंटों की कॉर्नर भी देखा जाए कितनी अच्छी कॉर्नर है। ये हॉस्टल के दरवाजे हैं, इनके दो ताख में बुद्ध की मूर्तियां होती, जो छात्र हॉस्टल के अंदर आते बुद्ध को नमस्कार करने के बाद। यहाँ की जो भी मूर्तियां सब म्यूजियम में रखे हैं, ये हमारे इंडिया सरकार की नई ईंटें हैं, रिपेयर किए ही, ये तो पूरा ढह गया, नई ईंटें ही खराब लग रहे हैं और पुराने ईंटें ही नई ईंटें लग रहे हैं, इसलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज कहाँ गए वो दोस्त, वो उधर आगे गए। अच्छा, ये दोनों ताक पे मूर्ति रखी जाती है जी, जी। क्योंकि ये बुद्धिज्म का महायान यूनिवर्सिटी थी, इसलिए महायान में मूर्ति पूजा होती थी। यहाँ जो भी स्टूडेंट रहते थे उसे बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ता था और प्रतिदिन बुद्ध को ध्यान साधना करने के बाद ही वो पढ़ाई करते थे। ये हॉस्टल के दरवाजे थे, लकड़ी के दरवाजे हैं, दरवाजे को बंद करने के लिए लकड़ी का कील का सिस्टम होते थे, लेकिन पहले गेट नहीं होती थी, लकड़ी का गेट था। अभी भी आप गांव में देखते हैं केमारी के पीछे लोग लगाते कील लगाते हैं, ये कील भी लगाते और पीछे लकड़ी भी लगाते जी। तो ये लकड़ी लगाने वाली सिस्टम है, कील सिस्टम जी। ये पल्ला होते, ये चौखट होते थे इतने मोटे। अच्छा, ये पल्ले को बंद करने के लिए खील का जॉइंट होता था। ये आप कह सकते कि इतना मोटा लोग लकड़ी क्यों लगाते थे, उस जमाने में आबादी कम थी, जंगल ही जंगल था, जानवर से लोग को भय होता था।
ये इसीलिए ये मोटे लकड़ी लगाते। अभी तो आदमियों से ही भय है, इन दरवाजे जो लकड़ी का जल गया है ये जलने का पहचान है कि यूनिवर्सिटी में आग लगी थी। अच्छा, ये पूरा जलने का पहचान है जी। ये कौन सा एरिया हुआ? ये हॉस्टल में हम लोग प्रवेश किए हैं, हॉस्टल के दरवाजे से। ये हॉस्टल का कॉरिडोर है जिसमें यहाँ इतनी सुंदर बिल्डिंग होने का कारण है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ये पुरानी मिली है, सीमेंट का काम नया किया गया है, नाली आपका पुराना है। आज भी जो रेनी सीजन वाटर होते हैं इसी नाले से पानी बाहर चले जाते। ये उस समय का दो कमरे हैं जो ड्रेनेज पैसेज कमरे हैं, हर पूरे हॉस्टल का जल आकर यहाँ जमा होते, फिर टैंक में जाने की सुविधा थी। उस समय पूरे कैंपस में 52 तालाब और 53 कुएं होते थे जो हर हॉस्टल में कुएं को आगे भी चलते हम लोग देखेंगे। ये ग्रुप मिला, ये सारे हॉस्टल लाइन है जो एक एक स्टूडेंटों के लिए एक एक कमरे हैं। एक डिपार्टमेंट में 30 छात्र रहते, बोथ 3 टीचर रहते थे। छात्र टीचर एक साथ रहने से अनुशासन में रहते थे। ये पूरा हॉस्टल एरिया है। ये एक स्टूडेंट के लिए कमरे को देखेंगे, उनके दरवाजे लकड़ी के होते थे। दरवाजे को बंद करने के लिए ये कील का सिस्टम होते और उनकी ये गुप्त सामान रखने की जगह लॉकर सिस्टम होते थे। अच्छा, ये रूम था, ये एक स्टूडेंट के लिए कमरे हैं। ये कमरे थे, छत थी लकड़ी की, छत थी, छतों में ही खिड़कियां होते, स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। पहले के जमाने में छत नहीं होता था क्या? लकड़ी ईंट की छत थी जो गांव में आप देखे हैं ना। हाँ, लकड़ी और बीच में ईंट होते हैं, उस तरह की छत होते थे और छते में ही खिड़कियां होती थी, स्काई लाइट। अच्छा, ये वर्षा हुआ जो पानी निकल गया, रोशनी हवा डायरेक्ट कमरे में आते थे, स्काई लाइट वेंटिलेटर सिस्टम होते थे। आज के जमाने में कहां बनता ये बुक शेल्फ है, उस समय डिस्कस सिस्टम होते थे इसलिए बुक कम ज्ञान ज्यादा। अभी के बच्चों को बुक ज्यादा ज्ञान कम। क्या एक स्टूडेंट के लिए छोटा कमरा है? 10x10 का ये साइज है। इन दीवार की मोटाई यहाँ देखेंगे 3 फुट से 12 फुट है। ठंडे के दिन में ठंडा हवा नहीं आते, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं आते, रूम नेचुरल एसी का काम करते। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाते। ऑल ठंडा, ये लोहा और सीमेंट अभी हमारे इंडिया सरकार ने रिपेयर कार्ड किए हैं, उसमें ये लोहा और सीमेंट नए लगाए हैं। जो लाल वाले ईंटे हैं नए हैं, ब्लैक वाले ईंटे देखिए वो सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल कमरे। ये भी ओरिजिनल ईंटे, ये सब ओरिजिनल है। अच्छा, ये कितना साल पुराना है? मैंने बताया ये नालंदा की स्थापना 5th सेंचुरी एडी का है। अभी आप जो देखने आए हैं 21st century AD, यानी 1600 years old university ये नालंदा है, 1600 वर्ष पुराना है। इन कमरों का हाइट जो होता था यहाँ होता था, देखिए लकड़ी लगाने का है बेस, यहाँ जो लकड़ियाँ जल गई है, जलने का दाग है जी। यूनिवर्सिटी को जलाकर ही बर्बाद किए गए थे। तीसरे राजाए बंगाल के राजा देवपाल 9वीं शताब्दी में इसी बिल्डिंग के ऊपर देखिए वो नई दीवार घींच दिए। ऊपर वाले जो डोर है वो 9th century AD का, ये डोर 7th century AD का है, और नीचे गड्ढे वाले जो फर्स्ट मैंने दिखाया वो 5th century AD का कमरा है। 5th century, 5वीं शताब्दी जी सर। हाँ बिल्कुल, इन बिल्डिंगों के ऊपर प्लास्टर होते थे, ये जो ईटे आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये प्लास्टर ओरिजिनल मिले। अच्छा, ये उसी टाइम का है जी। चले सो बेटू, ये देखिए ये सबसे पहचान होती है कि ये दीवार प्लास्टर होते थे। आइए नापी, ये 3 इंची का मोटा प्लास्टर यहाँ थी। अभी के जमाने में समय के अनुसार छूट गया है, लगता है ईंटों ही ईंटों का। अभी के जमाने में इतना मोटा प्लास्टर कहाँ होती है? हर एक हॉस्टल के आंगन होते थे जहाँ क्लास का काम होते थे। ये ऊंचाई सा देख रहे हैं, लेचोहल है, टीचर का स्थान है। ये सारे स्टोन पिलर होते थे, ऊपर छत थी, छत सारी टूट गई, टीचर वहाँ खड़ी हो गई, छात्र यहाँ बैठ गए, आपस में डिस्कस करके आगे क्लास करते। एक सब्जेक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट है, ऐसे उस समय 108 डिपार्टमेंट थे।
सेकेंड राजाए क्लासरूम को बंद कर ये बौद्ध स्तूप का निर्माण किए। फिर थर्ड राजाए पाल डायनेस्टी ये इसके ऊपर आंगन हुए और वो कमरे जो देख रहे हो 9th century AD का है, ये 7th century AD का है, ये 5th century AD का है। तीनों लेयर यहाँ काट कर आपको दिखा दिए गए। राहुल अच्छा ये क्या था, ये क्या था? पास बौद्ध मंदिर होते थे जहाँ लोग आकर बुद्ध की प्रार्थना करते थे। न्याय जो क्लासरूम के पास बौद्ध मंदिर होते थे यहाँ लोग आकर बुद्ध की प्रार्थना करते थे, लेकिन मूर्तियाँ सारे नष्ट हैं। जो मूर्तियाँ मिली म्यूजियम में रखे हैं। इनकी ऊपर छत होने से रूम अंधेरा होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट के लिए क्या किए, दरवाजे पर दो स्टोन रखे हैं। ये स्टोन का नाम है माइका स्टोन। माइका अवरक का पत्थर है, चमकीली पत्थर है। इन पर एक कॉपर का प्लेट होती थी। सूरज की लाइट जब कॉपर पर आते ये लाइट कमरे को प्रकाशित करती थी। यानी उस जमाने में ही देखा जाए तो रेफ्रेशर सिस्टम ये नालंदा से थी। इसी को अभी हम लोग 16 लाइट ले आए। उस समय की माइका स्टोन को आज भी देखे, जब लाइट इस पर पड़ेंगे तो इन पत्थरों में कितनी चमक आज भी है देखा जाए। चमक है सर, पूरा चमकीला पत्थर है। उस जमाने में भी साइंस विकसित था बहुत बहुत आगे। आइए कला रूप में यहाँ देखिए, स्वर्ण युग काल ऐसे ही मगध देखा जाए। ये पुरानी कुआं है, इसकी प्लास्टर यहाँ देखिए, उस समय का ये प्लास्टर है। इसकी गहराई 50 फुट है। बारिश होते नए पानी जमते। इनके ईंटों की बनावट को देखा जाए, कोई गोल है कोई स्ट्रेट में बने, ये सभी ओरिजिनल बनावट। अच्छा ये पानी उसी समय का है, बारिश का अभी का पानी है सर, उस समय का पानी लेयर अब बंद हो गया, पूरा खंडर हो गया है कुआं। मतलब यहाँ पे जितने भी हॉस्टल में स्टूडेंट रहते थे सब इसी कुएं में से पानी पीते थे। 10,000 स्टूडेंट के लिए कुआं नहीं होता था। मैंने बताया एक हॉस्टल में 30 से 34 जो कमरे होते थे, 30 स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट के, उनके जल पीने के लिए कुएं हैं। ऐसे ऐसे कुएं उस समय यूनिवर्सिटी की कैंपस में 52 तालाब थे और 53 कुएं थे। तालाब जो होते वो शौच क्रिया के लिए, स्नान करने के लिए और जल पीने के लिए कुआं का यूज किए जाते थे। ये सब ईंटों की बनावट देखा जाए सब ओरिजिनल डिजाइन, मतलब उसी टाइम का ये सब ईंटा है। कहीं डोर को देखिए, कहीं ढलाई सुविधा नहीं है, 2-2 इंच ईंटें बढ़ाते गए दीवार की सपोर्ट हो। ये स्टोर रूम था जी, चावल मिला है ना इसी से प्रमाणित हुआ। एक ईंटे का बोझ दूसरे लिए हुए, जो आर्च सिस्टम की बनी हुई ये छतें, बहुत शानदार। आज रखने का भंडार है ब्रिटिश शासन काल का, जो गोलघर के नाम से हाँ, गोलघर गांव में देखते होंगे। माँ बहने लोग जो अनाज कोठी बनाते हैं वह भी गोल बनाते हैं, या टीना वाला भी लेते हैं तो गोल वाला है। गोल में ही वो अनाज क्यों रखती है, एक क्वेश्चन है। गोल में रखने से अनाज उनकी सुरक्षित रहता है। अगर आप चौकोर बर्तन में अनाज रखेंगे टीना उना में तो अनाज आपका खराब हो जाएगा। कारण है जून जुलाई के महीना में गर्म हवा, जो चलता हवा का काम है घूमना, वो चौकोर बर्तन में हवा घूर नहीं पाएंगे। कॉर्नर में जब गर्म हवा ठहरेगी तो अनाज को नमी बनाएगा और कीड़ा लगा के खराब कर देगा। गोल बर्तन में क्या होता, गर्म हवा अंदर आने के बाद हवा घूर के वो ठंडा होता, नेचुरल हवा होने से अनाज आपकी सुरक्षित होती। अब आप ध्यान कीजिए कि ये विद्वानों की नगरी में भी ऐसा रूफ अभी भी है। कितने बार भूकंप हुए सारे हॉस्टल की छत टूट गई, इसकी छत आज भी बची हुई है, क्योंकि इसे इंजीनियरिंग में आर्च सिस्टम कहते हैं। लॉक एंड की से बना है, जो इसकी चाबियां ये है। जब तक ये ईंटें डिस्टर्ब होंगे नहीं, छत ये गिरेगी नहीं। अब उस समय भी हमारे नॉलेज था, उन्होंने ऐसा रूफ ही बनाए कि हॉट विंडो जो अंदर आ हवा टकरा कर ठंडा हो, अनाज मेरी सुरक्षित हो। वो जला हुआ राइस आज भी म्यूजियम में रखा है। अब आप कहेंगे कि राइस 1600 वर्ष पुरानी कैसे हुई, 800 वर्ष पुरानी कैसे हैं जलने के बाद, तो वो जला हुआ सामान कोई भी मिट्टी के समान होते हैं, इसलिए वो काला काला ऐसा चावल वहाँ म्यूजियम में आप देख सकते हैं। लेकिन आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन एक दिन वो वीकली छुट्टी होती है म्यूजियम। हाँ, इसमें दिया जलता था के लिए, उस समय घी का दीपक बरता था।
मैंने बताया ये फिफ्थ सेंचुरी एडी गुप्ता पीरियड का हॉस्टल का आंगन है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कैसे मानू सर कि ये गुप्ता पीरियड का है। पहले राजा लोग जो बिल्डिंग बनाते वो बिल्डिंग में नाम नहीं लिखते, चिन्ह देते थे। अच्छा। टाइगर या अशोकन पिलर मिलता हम लोग समझ जाते हैं मौर्य पीरियड की बिल्डिंग है। वैसे यहाँ गुप्ता पीरियड में यहाँ गुप्त काल के सिक्के मिले, उनके सिक्के में धनुष का सिंबल मिला है। धनुष जो है गुप्त राजाओं की चिन्ह है। इन बिल्डिंग की जब खुदाई हुई तो आंगन में देखिए धनुष आकार का सेप बना हुआ मिला है। ये धनुष का सेप ही प्रमाणित करता है कि ये बिल्डिंग गुप्ता की है, ये हर्ष की है, ऊपर वाली पाल की है। ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो वस्तु यहाँ से मिली है उसको कार्बन डेटिंग किए गए कि ये गुप्ता पीरियड फिफ्थ सेंचुरी एडी का बना है। 413 में ये नालंदा की स्थापना हुई। बुद्ध इन महावीर समकालीन थे। जिस समय भगवान बुद्ध और महावीर थे उस समय यह एक आम का जंगल था सिक्स सेंचुरी बीसी में। इस जगह को नालंदा नहीं, बुद्ध के टाइम में इस जगह को अम्र पवारिका वन कहते थे। पवारिका नाम का एक स्तूप का निर्माण सम्राट राजा अशोक ने किए जो 3 सेंचुरी बीसी में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्रा की देहांत जब हुई थी तो एक अस्तूपा बनाए गए थे जो ग्रामीण लोग उनके गोतिया लोग जो बनाए मरने के बाद सारिपुत्रा के, उसी के ऊपर सम्राट राजा अशोक ने वो अस्तूपा का निर्माण किए। फिर विभिन्न कालों में इधर हॉस्टल बने, वो अस्तूपा के ऊपर मंदिर बनाते गए। जो हिस्ट्री के पन्नों में फोटो रहता है वो सारिपुत्रा की अस्तूपा है, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर अबुद्ध आए थे तो आम का जंगल था। इस जगह पर उन्होंने भगवान महावीर जैन धर्म के प्रचार के लिए, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, दोनों महापुरुष यहाँ आए, इसलिए इस जगह पर नालंदा बनाए गए। इसका नामकरण हुआ नालंदा। न अलम दा, न मीन्स होता है नहीं, अलम मीन्स होता है बेकार, दा मीन्स होता है देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते थे। जो आते थे वो सब्जेक्ट का विद्वान ही बन के निकलते। ये विद्वानों की नगरी नालंदा है। ये कंक्रीट वाली है हर्षा पीरियड वाली, और ये छोटी ईट वाली पाल पीरियड वाली है। तीनों काल के यहाँ आंगन के अवशेष खोद कर आपको दिखा दिए गए। वो धनुष का चिन्ह है सर जी, धनुष का वहाँ हम लोग हाफ देख रहे थे ना, क्योंकि दूसरी बिल्डिंग बनी है। यहाँ भी अस्तूपा आंगन में है लेकिन उससे दूरी में है, इसलिए यहाँ अवशेष वो प्राप्त हुआ। हम लोग नालंदा की वो पवित्र भूमि पर आए जहाँ आज से 2600 साल पहले जब यह आम का बागीचा था, उस समय यहाँ भगवान महावीर और भगवान बुद्ध आए। उस समय मगध देश थी और मगध देश की राजधानी राजगीर था, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार को जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई बोधि वृक्ष के नीचे, उसके बाद में सारनाथ से उन्होंने धर्म का प्रचार किए। फिर मगध देश के राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर में आए। राजगीर में 6 वर्षों तक बंबू गार्डन में उठारे जो वेणु वन के नाम से जाने जाते हैं। उस समय यहाँ आया करते थे धर्म के प्रचार के लिए, तो यहाँ के 2 स्टूडेंट उन्हें भेंट किए, जो एक का नाम सारिपुत्रा था, दूसरा का नाम महामुगलाइन थी। महामुगलाइन की अस्तूपा सांची में अस्तूपा है और सारिपुत्रा का यहाँ हम लोग नालंदा में देख रहे हैं। जो सारिपुत्रा की अस्तूपा 3 सेंचुरी बीसी में किए गए। फिर गुप्त राजाओं के द्वारा जब यूनिवर्सिटी बनाई गई उधर रहने पढ़ने के लिए हॉस्टल, तो ये टेम्पल बनाए गए जिसमें यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। और ये फर्स्ट सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं फिफ्थ सेंचुरी एडी गुप्ता पीरियड की है। फिर सेकेंड सीढ़ियाँ देख रहे हैं हर्षा पीरियड की है, और ये थर्ड सीढ़ियाँ पाल पीरियड की है। तीनों काल की सीढ़ियाँ को हम लोग गौर से देखा जाए, जो जितनी पुरानी सीढ़ियाँ उतना ही सुंदर है। ओल्ड इज गोल्ड वाली मूर्तियाँ हैं, इसके ऊपर पाल पीरियड वाली मूर्तियाँ थी, जो छात्र रहते यहाँ आकर पूजा करते थे। वो मूर्तियाँ सब म्यूजियम में रखे हैं। ये बिल्डिंग जब ढका हुआ था तो वैसे मिट्टी की बाहर थी, उधर भी खोदा जाए उधर भी नालंदा मिलेगी, लेकिन खुदाई काम कंप्लीट बंद है। यहाँ जो छात्र पढ़ने आते थे मर जाते थे, यातायात का साधन उस समय एरोप्लेन हवाई जहाज नहीं थी। जो छात्र मर गए उनको जलाकर
उनकी अस्थि को लाकर मंदिर के पास में ये गोल गोल जो देख रहे हैं ये सब छात्र टीचरों की ये सब समाधियां बनी हुई है। इधर भी खोदेंगे इधर भी मिलेगी, इधर सारा जैसे हम लोग वो साइड में हॉस्टल देखे वैसे वो सभी एक एक सब्जेक्टों के लिए एक एक डिपार्टमेंट मिले हैं। हर डिपार्टमेंट के सामने ये पूजा स्थल मंदिर है और उन वहाँ के जो छात्र मरते उनकी वहीं गोल गोल समाधियाँ बनी हुई है देखा जाए। तो एक लाइनों में मंदिर लाइन थी, एक लाइनों में हॉस्टल एंड कॉलेज थे, लाइब्रेरी यहाँ तीन थी, अभी एक भी नहीं मिले। चार दरवाजे थे, एक भी दरवाजे नहीं मिले। उसी रास्ते से हम लोग आए हैं, वहीं से वापस जाने का रास्ता है। अच्छा, वही एग्जिट भी वही है जी, क्योंकि वह दीवार को काट कर बनाए गए हैं रास्ता, अभी मुख्य रास्ता नहीं मिला है। जहाँ द्वारपाल इंटरव्यू लेते थे वो प्लेस 10 किलोमीटर की एरिया है, अभी खुदाई 1 किलोमीटर की है, इसलिए वो नहीं मिला है। यहाँ से पढ़ने के बाद छात्र जो अपने गांव जाते कोई सर्टिफिकेट नहीं होती, लोग ज्ञान धर्म का जो प्रचार करते वही उनकी सर्टिफिकेट थी। इस प्लेस का नाम नालंदा है, दो अक्षरों के मेल से बने नालम प्लस दा। नालम मीन्स होते कमल का फूल, वो ज्ञान का प्रतीक है। दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस नालंदा है। इसकी लिखी हुई बुक लेना चाहेंगे तो गेट पर नालंदा बुक मिलेगा, उस बुक का मैं राइटर भी हूँ, आपका गाइड भी हूँ। अच्छा, आप राइटर हैं। अच्छा, ये सरकार इसको खोदेगा कि नहीं, खुदाई होगी कि नहीं, क्या देश आज़ाद हुए 70 बच्चर हुआ, जो भी सरकार आ रहे हैं कोई इंटरेस्ट हमारी खुदाई हिस्टोर का प्लेस का नहीं हो रहा है। हर हिस्टोरिकल प्लेस की अगर खुदाई जाए तो हमारे देश की आमदनी बनेंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे और हमारे यहाँ डॉलरों की आमदनी होगी। लेकिन हमारी भारत सरकार कोई खुदाई के प्रति योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें कठिनाई है कि घनी आबादी बस गई है, उस घनी आबादी को हटाना पड़ेगा और लेबर वर्क भी बढ़ गए हैं। जैसे हम लोग दांतों की सफाई करते हैं बरसों से, वैसे खुदाई जब होती है तो बरसों से ही लोहे के औजारों से खुदाई किए जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार 70 बच्चर आए, कोई इंडिया सरकार हमारी नालंदा के आगे की खुदाई नहीं सोच रहे हैं। अब तो ये 15 जुलाई 2016 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है, अब देखिए यूनेस्को आगे क्या करते हैं। यहाँ के एमपी जब थे जॉर्ज फर्नांडिस, रक्षा मंत्री जो बने नालंदा के ही संसदीय क्षेत्र से रहे, उन्होंने यहाँ विजिट करने के बाद पर्यटकों के लिए उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ मैं लाइट एंड साउंड लगा दूंगा, लेकिन वो चले भी गए रक्षा मंत्री से, लेकिन आज तक हमारी नालंदा में साउंड एंड लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। अगर वो होते तो आओ भी हमारे पर्यटकों की देखने में लौभान्वित और सौंदर्यीकरण ये प्लेस होता, इसलिए ये रात में नहीं खुलती, रात में लाइट का यहाँ सुबह 9 बजे खुलते हैं, शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं। जी चलिए आगे। गाइस, ये भी एक मंदिर थी, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक मंदिर था यहाँ। हाँ गाइस, हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, ये सीढ़ी के रास्ते से ऊपर चढ़े हैं, सामने मंदिर है ये देख सकते हैं, वो तो बंद है अंदर में, उस ज़माने का ये मंदिर है, इसका जितना भी मूर्ति थी यहाँ पे से निकली थी सब म्यूज़ियम में रख दिया गया है, कुछ अंग्रेज़ ले गए यहाँ से। और इसके ऊपर से ये नज़ारा देख लीजिए पूरा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, ये तो फ़िलहाल ताला बंद है, और ये देख लीजिए अंदर का नज़ारा, ये देख लीजिए मंदिर था,
गाइस हम लोग यहाँ का पूरा टूर कर लिए हैं। गाइड हमको पूरे अच्छे से बताया इसका हिस्ट्री, बहुत काफ़ी अच्छे से हम लोग को समझाया गया। अगर हम यहाँ पे अकेले आते तो नहीं समझ में आता कि किस क्या डिपार्टमेंट है, किस नाम से है, क्या है, पहले का हम लोग को इतना हिस्ट्री नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग ने गाइड हायर किया था। आप आइए, अगर आप यहाँ आते हैं तो हम अपने गाइड का नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार, मैं यहाँ प्रॉपर रहने वाला हूँ। बगल में गांव का नाम है कुंडलपुर, बरगांव के नाम से जाने जाते। मेरे मोबाइल नंबर है 9934227930। ठीक है, धन्यवाद।